हाल ही में मैं अपने घर गई थी उत्तराखंड, क्योंकि मेरे घर में शादी थी। मैंने आपसे बोला था कि शादी का ब्लॉग जल्दी लेकर आऊंगी। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इस शादी में कितने मजे किए और पहाड़ी शादियां और शादियों से कितनी अलग होती है। देखिए आज मौसम भी बहुत अच्छा है, दिल्ली से उत्तराखंड जाने के लिए रोड भी बहुत अच्छी है, बाय रोड जाने में बहुत मजा आता है। ब्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम चल पड़े उत्तराखंड के लिए। इस बार हमने गाड़ी बुक करी क्योंकि हमारे पास शादी का सामान बहुत ज़्यादा था। अब हम टांडा जंगल के पास पहुंच गए, यहाँ बंदरों का झुंड मिला, इनको हमने बहुत सारे फ्रूट्स खिलाए और हम चल पड़े आगे को। टांडा जंगल हल्द्वानी से पहले पड़ता है, ये बहुत लंबा जंगल है। अब हम धीरे धीरे, हमको रात हो गई है, हम पहुँच गए भीमताल। घर जाने में हमको बहुत लेट हो गया है। ये देखिए अब पहुँच गए हम अपने घर। यहाँ से भीमताल का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है, आप देख सकते हैं। पहुंचने के बाद फ्रेश होकर हमने डिनर किया, डिनर टॉप फ्लोर में था, वहां पर डिनर करते हुए हम सारे लोगों से मिले। उसके बाद हमने जबरदस्त डांस किया। उम्मीद है कल रात का पतंग डांस देखते हुए आप लोग को बहुत मजा आया होगा। अब सुबह हो गई है, ये देखिए भीमताल के नज़ारे, खिली खिली धूप आई हुई है। अब बारात की तैयारी हो गई है, बारात प्रस्थान करेगी घोड़ाखाल से हल्द्वानी। सब गाड़ियां तैयार हो गई है बारात के लिए। अब सुबह के नाश्ते में छोले और भटूरे बने हुए हैं। नाश्ता करने के बाद हम बारात के लिए तैयार होंगे। एक बात आपको मकान का नज़ारा और दिखा देती हूँ। ये देखिए छत के टॉप फ्लोर में ये नाश्ता बना हुआ है, हम सभी लोग वहीं पर नाश्ता कर रहे हैं। अब दूल्हे राजा आ गए हैं, दूल्हे की नजर उतारते हुए बारात प्रस्थान करेगी। अब हम रास्ते में पहुंच गए हैं, रास्ते में हमने कॉफी, मैगी और भीमताल में अच्छी अच्छी फोटो खिंचाई हैं। अब हमने भजन कीर्तन शुरू करे हैं। अब शादी हो गई है, दुल्हन घर आ गई है, दुल्हन का बहुत अच्छा स्वागत किया हमने और दुल्हन ने बहुत अच्छा भजन और डांस किया है। पहाड़ी शादियों में गाना बजाना, डांस बहुत होता है, सभी मिलकर ढोलक बजाते हैं और नाचते हैं, बहुत सुंदर लगता है। अगर आपको भी कभी मौका मिले पहाड़ी शादी में जाने का तो ज़रूर जाइए। कुमाऊँ की शादी में सभी लोग नथ और पिछौड़ा पहनते हैं, यही हमारी कुमाऊँ की खासियत है और सुंदरता का प्रतीक है। आइए अब आपको भजन भी सुनाती हूँ।
अब अगले दिन लेडीज संगीत था। आमतौर पर ये पहले होता है, लेकिन पहाड़ी शादियों में ये बाद में होता है, क्योंकि इसमें सारी लेडीजें बहुत अच्छा अच्छा डांस करती हैं। और ये है मेरे घर का लुक सेकंड फ्लोर से। इसी तरह शादी पूरी हो गई है और हम अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, हमने बर्थडे रास्ते में ही सेलिब्रेट किया। ये देखिए अब यहाँ पर हम केक काट रहे हैं, क्या व्यू है यहाँ पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।